ये देख सकते हो, ये वाली लोकेशन एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है मेरी। मैं पिक्चर डेस्टिनेशन के मालिक मिल चुके हैं यहाँ पे। और मालिक आप क्या कहोगे इनकी? और इधर से अर्थी उठेगी। ये कुआं बना रखा है मेरे भाइयों, आप देख सकते हो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आज दिल्ली में देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कोहरा है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। आप सबका स्वागत है एक बार और हमारे न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आपको तो पता होगा कि हमने न्यू कार ली थी, आज उसी के अंदर जाएंगे। और प्री वेडिंग है हमारे पास। कौन सी लोकेशन रवि भैया? पिक्चर डेस्टिनेशन आई थिंक। पिक्चर डेस्टिनेशन, तो चलो सीधा चलते हैं पिक्चर डेस्टिनेशन और शूट स्टार्ट लेते हैं और आपको बताते हैं गाइस। और रास्ते में जो भी आता है बताते। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इस वक्त। व्हाट इज योर नेम? ये हमारा डॉग है बंकू। चलो गाइस व्लॉग स्टार्ट लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी सिलेरियो। आपको जैसे कि मैंने व्लॉग में भी बताया था, थोड़ी सी मिट्टी आ चुकी है, इसको सेट करेंगे। आज फर्स्ट टाइम यूज करेंगे दोस्तों इसको काम के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हो दिल्ली में कितना ज्यादा कोहरा है। हमें गाड़ी ले जाते हुए भी डर लग रहा था, आप देख सकते हो। तो ये 10 बज रहे गाइस सुबह के, आप लग भी नहीं रहा होगा। और रवि भी गाड़ी चला रहे, फर्स्ट टाइम ये वाली हमारी, कहीं के लिए सेकंड टाइम चला रहे, लेकिन कहीं के लिए फर्स्ट टाइम। जो काम के लिए जा रहे ना, वो घूमने के लिए गए थे गाइस। फर्स्ट टाइम ये ना शोरूम से लेके आया था और आज सीधे शूट पे जा रहे गाइस। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कोहरा है दिल्ली में, मैं बता भी नहीं सकता मुंह से इतना कोहरा है। देखो आगे का ये गाइस, ये मैं इसलिए इतना ज्यादा कह रहा हूँ क्योंकि ये 10 बजे ये है, तो सुबह सोचो 7 बजे क्या हालत हो रही होगी। ये देखो यहाँ पे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तों, पिक्चर डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मिले हैं हमें ये भाई। और भाई बताओ कैसे? बढ़िया है भाई। तो गाइस चलो, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मैं आपको पूरी लोकेशन विजिट करवाता हूँ। वीडियो में बने रहो, मैं आपको दिखा दूँ गाइस। मैं पिक्चर डेस्टिनेशन के मालिक मिल चुके हैं यहाँ पे। और मालिक आप क्या कहोगे? तो गाइस, जब से मैं इस लोकेशन पे आ रहा हूँ ना, 4-5 साल से भाई को देख ही रहा हूँ। यहाँ के मेन अब तो आते हैं ऊपर लेवल पे आ चुके। और अंकल जी आप चेंज हो गए, मुझे लग रहा है अंकल जी चेंज हो गए शायद। ये भाई यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे जवान बच्चे हुए, यहीं पे जवान हुए, इधर ही बुढ़े भी हो गए इनकी। और इधर से अर्थी उठेगी इनकी दुनिया पिक्चर वैली, पिक्चर विलाज, पिक्चर डेस्टिनेशन है दोस्तों इनकी दुनिया। चलो मैं अंदर को आपको लोकेशन बता। अरे बहुत कम होते हो दादा उधर। सो गाइज, आप देख सकते हो पिक्चर डेस्टिनेशन ये आ चुके हैं। मैं अपनी राय दूँ पिक्चर डेस्टिनेशन के लिए, तो गाइज वीडियो के अकॉर्डिंग ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा छोटी है। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, ये देखो, ये एक लोकेशन बनी हुई है, ये एक लोकेशन बनी हुई है गाइज, साथ में ही ये दूसरी लोकेशन लग गई। ये फिर सारी लोकेशन आती जा रही है। बाकी आप ये लोकेशन देख सकते हो। बाकी मैं ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड यहाँ पर ही है, जो बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा है ना इसी लोकेशन पे है सबसे ज़्यादा। बाकी ये भी लोकेशन है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छा शूट आता है हमारा, ये भी शूट आता है इधर भी, बहुत अच्छी अच्छी है। चलो मैं अंदर लेके जाता हूँ। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, यहाँ पे मेरे को दिक्कत इसलिए होती है कि ये बहुत छोटी छोटी लोकेशन है। इन्हीं की इन लोगों ने दूसरी एक बनाई है इमेजिन टाउन, वो ऑसम लोकेशन है, वो बड़ी है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा क्या कहते हैं, वहाँ पे शूट बहुत अच्छा ही होता है वीडियो का, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग लोकेशन है थोड़ी। और बाकी अंदर ये है गाइज, आप देख सकते हो ये एक लव पॉइंट भी बना रखा है, लिखा हुआ है लव। बाकी रोटी वोटी का सिस्टम यहाँ पे। उसके अलावा आप ये देख सकते हो, ये वाली लोकेशन एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है मेरी, वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा शॉट आते हैं मेरे हर बारी। उसके अलावा ये पूल, 8-बॉल पूल भी लगा हुआ है इधर। मैं इतना बताऊँ, दिल्ली NCR के अंदर सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड इसी लोकेशन में है गाइस, सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड। बाकी आप ये भी देख सकते हो, एक ये लोकेशन भी है। बाकी गाइस आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपकी क्या राय है यहाँ के बारे में। मैंने तो अपनी राय आपके सामने पूरी शो करी। इस लोकेशन पे मैंने बहुत शूट करे हुए, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे व्लॉग में फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ।
तो मैं इनके मालिक से हमेशा मेरी बात होती थी तो यही कहता था कि भैया लोकेशन थोड़ी बड़ी करो बड़ी करो, तो उनने वो हमारी बात सुनी। इनके जो मालिक है ना बेस्ट है गाइस, उनने हमारी बात सुनी, उनने इमेजिन टाउन एक बनाया। और आप ये देख सकते हो एक सेंटोरी भी है, सेंट्रोनी पता नहीं क्या दिमाग में नहीं आ रहा, सेंट्रोनी। और इसके अलावा यहाँ पे पूल भी बना हुआ है गाइस, बहुत अच्छा बना दिया अभी तो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कि बहुत छोटी लोकेशन है। चलो रही भैया की राय लेते हैं, भाई आपकी क्या राय है इस लोकेशन को लेके? भैया ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टूडियो टाइप की लोकेशन है, बहुत औसम लोकेशन है, लेकिन हम यहाँ पे नेचुरल जो नेचर आप हिसाब से बनाते जाओ तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे ना हमें ये एक जैसे यार हम एक वॉलपेपर लगाए हुए हो इस टाइप के ना। वीडियो को अकॉर्डिंग में इस लोकेशन को इतना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फोटो के लिए अच्छी है ये लोकेशन। तो गाइज आपने देखी रवि भैया की राय भी जो मैंने दी, फोटो के लिए ये बेस्ट है क्योंकि अनलिमिटेड बैकग्राउंड है, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ। वीडियो के लिए भैया ने भी यही राय दी, बाकी आप देख सकते हो ये बार भी बना हुआ है। अभी चलो आगे और भी बहुत सारी लोकेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस जगह पे लोकेशनों की कोई कमी नहीं है, भरमार है भरमार भाइयों। जो पूल वाला है ना इधर भी हो जाता है गाइस, आप देखो ऑसम लोकेशन है ये भी, यहाँ पर भी हो जाता है शूट, ये भी एक लोकेशन है गाइस। इसके अलावा एक ये भी बन चुकी है, इसके अंदर भी आई थिंक अभी कुछ बन रहा है गाइस, देख सकते हो। और बाकी ये रही, ये खेत वाला शूट ले सकते, एक ये भी अच्छी लोकेशन है, ये भी लोकेशन में गिनाती है गाइस, आप देख सकते हो। और ये एक फुहारा, यहाँ पे फुहारा जल जाता है, बहुत तेज पानी निकलता है फुहारे से। एक ये भी बन चुकी है लोकेशन गाइस, देख सकते हो, एक भी स्पेस ऐसा नहीं है जिसको फ्री छोड़ा हो, एक भी स्पेस, एक छोटी सी जगह भी है ना उसको यूज करा है। मैं सल्यूट दूंगा इनके मालिक को, इनके ऑनर को, बहुत जबरदस्त क्रिएशन कर रखी है। ये लोकेशन को भी यूज कर रखा है, देखो गाइस ये भी लोकेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है, ये देख सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे एक डेट वाला सिस्टम भी बना रखा है, सेव द डेट वगैरह लिख के। ये रहा लोकेशन, एक ये भी है। और ये हम आ गए गांव के अंदर गाइस, ये देखो ये लोकेशन एक बढ़िया लगी, जो बहुत बड़ी बना रखी है गाइस। वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे शॉट्स आ सकते हैं, लेकिन यही बात हो गई ना, हर किसी को गांव वाला पसंद नहीं होता गाइस। ये कुआं बना रखा है मेरे भाइयों, आप देख सकते हो पूरा गांव वाला फील। यहाँ पे एक सॉन्ग बहुत ही अच्छा शूट हो सकता है दोस्तों, एक ये भी ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखो, ये देखो दोस्तों, बताओ कमेंट करके बताओ कैसी है लोकेशन ये वाली। अब चलो कुछ लोकेशन और भी है, अभी भी लोकेशन ख़त्म नहीं हुई गाइस, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ये फोटो के लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। वीडियोज़ के लिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा चाहिए होता है हमें, वीडियो के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो ख़त्म हो जाता है प्लेस, इतना बना रखा है। बाकी एक ये भी है, यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम है गाइस, ये लोकेशन में नहीं आता, जैसे फोटोग्राफर्स और हम होते हैं ना खाने पीने के लिए बना रखा है। बाकी ये वाली एक लोकेशन अलग है गाइस, यहाँ से चलते हुए आके बता सकते हैं हम अच्छा शॉट। और एक ये लोकेशन भी है मेरे भाइयों, कमेंट में लिख कर बताओगा कैसा लग रहा है ये सब कुछ। एक ये झूला भी है गाइस, यहाँ पे झूले पे भी बहुत अच्छे शॉट्स आ सकते हैं जो कि आते हैं हमारे। उसके अलावा ये भी है ग्लास हाउस, यार गाइस मैं क्या बताऊँ, कमी नहीं हो रही लोकेशंस की। ये देखो अनलिमिटेड लोकेशन है गाइस, आप अंदर भी एक लोकेशन बना लिए यार, आप देख सकते हो अंदर एक शूट भी चल रहा है, ये देखो अंदर शूट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर भी देख सकते हो शूट स्टार्ट हो चुका है। बाकी बहुत ज्यादा ही लोकेशन बन चुकी है दोस्तों यहाँ पे, ये रही बेड वगैरह भी है यहाँ पे, फुहारा इधर भी लगा दिया। तो दोस्तों ये बताओ कि वीडियो कैसी लगी और ये लोकेशन कैसी लगी गाइस, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना रिव्यू दूँ इस लोकेशन को। बेस्ट लोकेशन है, कोई चीज़ की कमी नहीं है सिवाय एक, यहाँ पे खाली एक वीडियो शॉट हम प्रॉपर नहीं आ पाते हमारे, ये फ़ोटोज़ के लिए है। वीडियो के अंदर मैं थोड़ा भी मूव करवाता हूँ तो फिर पूरा शूट लोकेशन चेंज हो जाती है। चलो गाइस इस वीडियो को इधर करते हैं ख़त्म, अगर इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर व्लॉग में मिलते हैं, यहाँ पर ही शूट करते हुए कपल आ जाता है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।